नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का राशि परिवर्तन 16 अगस्त की शाम 6:31 पर हो जाएगा, तो आपको लगभग 17 तारीख की सुबह से परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगल क्रोध है, शौर्य है, बहता हुआ गर्म खून है, गर्म जोशी है। मंगल शरीर की ताकत है, क्रोध है, वाद विवाद झगड़ा मंगल है। मंगल खून खराबा है। मंगल बलि हो तो व्यक्ति पुलिस या सेना या अच्छा डॉक्टर या सर्जन बनता है, दुश्मनों का रक्त बहाता है। मंगल खराब हो तो व्यक्ति गुंडा मवाली बनकर भी रक्त बहाता है। जिंदगी बनाता भी है मंगल और जिंदगी बिगाड़ता भी है मंगल। अगर आप सही दिशा में चले गए तो जिंदगी बचाने वाले, अगर आप बुरी दिशा में चले गए तो जिंदगी लेने वाले बन सकते हैं। मंगल क्रूर है, घातक है। मंगल के साथ अन्य ग्रहों की युति व दृष्टि संबंध इसको कई बार घातक भी बनाता है, कई बार थोड़ा शांत भी करता है। 16 तारीख को मंगल मेष राशि में जाएंगे, स्वयं की राशि में जाएंगे, अच्छे परिणाम भी देंगे। अच्छे परिणाम का वीडियो हम डाल चुके हैं, तो खराब भी देंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है। अगर आप चीनी को एक चम्मच खाएं, दो चम्मच खाएं, तीसरा चम्मच खाएं, तो वही चीनी जो है कड़वी लगने लगेगी, जहर लगने लगेगी। पानी एक गिलास पिए, दो गिलास पिए, तीन गिलास पिए, चार गिलास पिए, पांचवें गिलास में पानी का स्वाद बदल जाएगा, आप पानी पी नहीं पाएंगे कभी। एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, वही पानी वही चीनी जो हमें जीवन दे रही है, वही पानी वही चीनी हमारा जीवन ले भी लेती है। पानी में अगर तैरना नहीं आता है तो जीवन चला भी जाएगा। पानी जरूरत से ज़्यादा पी लें या कम पी लें, यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो फ़ायदा भी देती है और नुकसान भी देती है, लेकिन हम हमेशा फ़ायदे की तरफ जाते हैं। बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें आप देखेंगे आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको फला मिलेगा, आप करोड़पति हो जाएंगे, आप अरबपति हो जाएंगे, लेकिन वो तब होंगे जब आप मुसीबतों से बच पाएंगे। अगर आप मुसीबतों में फंस गए तो करोड़पति अरबपति तो बनना छोड़िए, जो है वो भी गवा बैठेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मंगल किस प्रकार से आपके जीवन में अमंगल कर सकते हैं। यहां पर हम नेगेटिव बात करने वाले हैं। और मेरा अपना मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कमियों को जान जाए तो वो व्यक्ति जीवन में अतिशीघ्र सफल हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपकी राशि के अनुसार मंगल क्या अमंगल करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। जो अच्छी बातें हैं वो तो 100 लोग आपको बताएंगे, लेकिन कहावत है सच्चा दोस्त वही है जो आपकी कमियों को बताए। तो हम आपके सच्चे मित्र हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपना सच्चा मित्र जैसा प्यार देंगे। हम आपको मंगल के द्वारा क्या अमंगल हो सकता है वो बताएंगे। अगर उस पर कंट्रोल हो गया तो फिर सब मंगल ही मंगल है, इतना जान लीजिए। अब आपकी राशि में मंगल कैसे अमंगल कर सकते हैं, कैसे विघ्न डाल सकते हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको राहत मिल जाएगी। तो ध्यान से अपनी राशि के बारे में सुनिए, समझिए, क्योंकि ऐसे वीडियो कब ही मिलेंगे आपको, या मैं हो सकता है कि आपको मिले ही ना। अच्छा अच्छा सब बोले, बुरा जो बोले उसको दुनिया बुरा बोले। तो इसमें कमेंट्स कुछ ऐसे आएंगे कि लोग कहेंगे आप बड़े नेगेटिव हैं, आप तो नेगेटिव बात करते हैं। अरे नेगेटिव ही तो हटाना है, नेगेटिव ही तो आपके जीवन में आपको तरक्की नहीं करने दे रहा है। अच्छा अच्छा सुन के क्या मिल गया, थोड़ा नेगेटिव भी सुन लीजिए। हमेशा एक चीज़ आपको बता दूँ अंतिम बात, फिर उसके बाद आपकी राशि का हाल बताऊँगा। दवाई हमेशा कड़वी होती है, मीठी नहीं होती है। तो सच भी हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन कड़वी दवाई से ही बड़े बड़े रोग सही होते हैं। और एक सच दुनिया में आपकी तकदीर बदल देता है। बात करते हैं आपकी राशि की, वृषभ का क्या हाल होगा। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। मंगल आपके हर कदम पर चुनौती और संघर्ष लेकर आएंगे। आप कई गलतियां करेंगे, करते चले जाएंगे, लेकिन गलतियों को करने के बाद आप अपनी ही गलतियों को मानेंगे नहीं, बल्कि गलती को करके सीना चौड़ा करके घूमेंगे और सबको कहेंगे हाँ मैंने किया है, जो करना है कर लो।
तो ऐसा आपके अंदर मंगल रौद्र रूप ले आ देंगे या आपको बेशर्म बना देंगे। गलतियां सुधारने की बजाय आप गलतियां बढ़ाते चले जाएंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, आपके साथ काम करने वाले लोग आपको साजिशों में फंसाकर आपका ब्रेन वॉश करके आपका फायदा उठा लेंगे और आपके चाल चलन पर, आपके चरित्र पर भी दाग लगा देंगे। शत्रु पल पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, शत्रु पल पर जाल बिछाने की कोशिश करेगा। आप मूर्खतापूर्ण फैसले लेंगे, कोई आपके सामने आ गया तो आप उस पर हावी हो जाएंगे। एक तो मूर्खतापूर्ण आपके फैसले होंगे और जो भी कोई अगर आपके सामने पड़ गया तो आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे और बिना सोचे समझे खर्चे करने लगेंगे। एक तो जो आपका हितैषी होगा आप उसके सर पर चढ़ के बैठ जाएंगे, दूसरा फालतू के खर्चे करने शुरू कर देंगे। इससे एक तो जो व्यक्ति आया है वो दोबारा शायद आए ना आए, उससे लड़ाई झगड़ा, प्लस फालतू के खर्चों से आपका बजट भी बिगड़ेगा। विवाह हो गया है तो जीवन साथी से वियोग या तनाव हो सकता है। विवाह हो गया है और पहले से कोई तलाक वगैरह का मामला है, सेपरेशन का मामला चल रहा है, तो वो तेजी पकड़ सकता है। मन में, शरीर में कामुकता, विलासिता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जातक या जातिका कहीं ना कहीं अवैध संबंध बना लेता है, अपने जीवन साथी से असंतुष्ट हो जाता है। अगर आप महिला हैं तो आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों को मंगल इस वक्त खलनायक बना सकते हैं। जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अपराध की प्रवृत्ति है, आप लोग कहते हैं ये खतरनाक व्यक्ति है, तो उसके अंदर और खलनायक जैसी ताकत और इच्छा जागृत हो सकती है, जिसकी वजह से वो मारने लगे, पीटने लगे या उल्टा सीधा बोलने लगे या लगे। पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षण दिखाकर व्यक्ति अपना पथ, अपना रास्ता जो है वो और तकलीफों वाला कर लेता है, अपना पथ भ्रष्ट कर लेता है। आत्मविश्वास कमी, दूसरों के धन पर ऐश करना या दूसरों के धन पर नजर बना के रखना और खर्चे करना, और इतने खर्चे कर देना कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो चाहे आप किसी से उधार लें। तो पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षण, उनके साथ अवैध संबंध बनाना, उन पर खर्चे करना, बाकी चीजों पर खर्चे करना आपको और गहराई की तरफ लेके जाता है, यहाँ से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वासना के साथ में विलासिता भी जब जुड़ जाती है तो तकलीफ ज्यादा हो जाती है। विदेश यात्रा हो सकती है, चोरी करने या रिश्वत लेने के चक्कर में आप पकड़े जा सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। बात करते हैं उपाय की। सुबह खाली पेट शहद खाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें और भगवान विष्णु की उपासना करें, आपको कष्ट कम होंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपकी तकलीफों को आपके सामने लेकर आना है, जो तकलीफें हो सकती है आपको। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरिओम, नमस्कार।